महामंगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लोराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनात की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। किसका हुआ बाहुबली 3 से एग्जिट? क्यों छोड़ना चाहते थे प्रभास बाहुबली को? क्या बाहुबली 3 होने वाला है इस सीरीज का आखिरी पार्ट? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। कटप्पा शिवगामी बाहुबली अवंतिका देवसेना जैसे यादगार किरदारों से सजी हुई 2015 में आई फिल्म बाहुबली द बिगनिंग बाहुबली द कंक्लूजन ने फिल्म इंडस्ट्री में नया ट्रेंड ला के खड़ा कर दिया था। ये फिल्म पैन इंडिया में रिलीज होने वाली पहली फिल्म बन गई थी और इसके बाद दर्शकों का तो जैसे फिल्म देखने का टेस्ट ही बदल गया। सारे दर्शक मानो साउथ फिल्मों के दीवाने बन गए। इन फिल्मों से भले ही बॉलीवुड की फिल्मों को भारी नुकसान हुआ पर बॉक्स ऑफिस पर इन्हीं फिल्मों के कारण बिजनेस हो पा रहा है। कोविड के बाद की स्थिति को वापस पटरी में लाने में इन्हीं फिल्मों का सबसे बड़ा हाथ है। अभी तक अनलॉक होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर लगभग 3,000 करोड़ का बिजनेस हो चुका है। पर अब फैंस बाहुबली सीरीज को भुला नहीं पा रहे हैं और इसे फिर से सिनेमाघरों में देखना चाहते हैं एक नई कहानी के साथ, जिसके लिए राजा मौली ने पहले ही बता दिया था कि उनके पास अभी एक और स्टोरी है। इसके साथ ही फिल्म से जुड़े लोगों का मानना है कि इस फिल्म के लिए अभी तो कई एंगल बचे हैं जिन पर फिल्म को बनाया जा सकता है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सीरीज बाहुबली 3 के बाद भी खत्म नहीं होगी। बाहुबली 3 की टीम से हमें जानकारी मिली है कि अनुष्का शेट्टी यानी देवसेना इस फिल्म का पार्ट नहीं होंगी। इस बात की कोई पक्की खबर नहीं है पर फिल्म में तमन्ना भाटिया का होना लगभग तय है, जिसमें बाहुबली 3 में ये मेन रोल निभाते हुए दिख सकती हैं और फिल्म में इनका रोल भी काफ़ी हो सकता है। बल्लाल देव की मौत के बाद तो उसकी कहानी का अंत हो गया था, ऐसे में इस सीरीज़ के लिए एक नया विलन लाया जाएगा जिसकी तलाश फिलहाल जारी है, जिसे महेंद्र और अवंतिका अकेले ही संभालते हुए नजर आ सकते हैं। बाहुबली सीरीज़ की बात करें तो वैसे इसकी कहानी पार्ट 2 में पूरी हो गई थी और इसकी शूटिंग को पूरा करने में 2 साल का समय लगा था। पूरी टीम ने इसकी शूटिंग 2013 में शुरू की थी और 2015 में इसे रिलीज़ किया था। 2 दिन पहले यानी कि 10 जुलाई को इस फिल्म को रिलीज़ हुए पूरे 7 साल हो गए हैं। फिल्म की शूटिंग के जब 250 दिन पूरे हो गए थे तब प्रभास इसकी शूटिंग से काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए थे, क्योंकि इतना लंबा शूट शायद किसी फिल्म में नहीं हुआ आज तक, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म को छोड़ने का मन बना लिया था। पर उन्होंने बोला था कि यदि उन्हें अभी तक के शूट किए गए सीन दिखाए नहीं गए जिससे उन्हें ये पता चल सके कि सीन कैसे हैं, नहीं तो वो फिल्म से बाहर हो जाएंगे। जब राजा मौली सर ने उन्हें सीन्स दिखाए तब जाके उन्होंने चैन की सांस ली और आगे की फिल्म को शूट किया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और नई नई जानकारियों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।